नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अब्दुल्लागंज से, जहां तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसे में 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, साथ ही कई यात्री गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है, गंभीर घायलों को भोपाल भी रेफर किया गया है। अब्दुल्लागंज थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां बस जो है हादसे का शिकार हो गई और पलट गई। तेज रफ्तार बताया जा रहा है कारण, तेज रफ्तार बस अचानक से पलट गई, जिसमें 25 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल है। अब्दुल्लागंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये तेज रफ्तार बस अचानक से पलट गई और बस पलटने से 25 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल है। घायलों की भी तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है और जो सबसे ज्यादा अधिक गंभीर घायल है उन्हें भोपाल भी रेफर कर दिया गया है। आधे यात्रियों को भोपाल लाया गया है, जिन्हें जो है मेजर चोटें आई है। घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। अब्दुल्लागंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। यात्रियों से भरी बस अचानक पलट गई तेज रफ्तार होने के चलते। इसी के साथ ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अमित, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बड़ा हादसा हो गया है, तेज रफ्तार बस पलट गई है, जिसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, क्या है अपडेट? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बस आरिफ बस है, ये मुल्ताई से, भोपाल से मुल्ताई की ओर जा रही थी और नेशनल हाईवे 46 पे बरखेड़ा गाँव के आगे जो है अनियंत्रित होकर कुलिया में पलट गई। इसके पलटने से करीब 40 के लगभग, 25 से 30 40 के लगभग यात्री घायल हुए हैं और जिनमें से कुछ 8 से 10 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अब्दुल्लागंज स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जो है भोपाल रेफर कर दिया गया है। वहीं ही चौकी प्रभारी सुरेश भटकर द्वारा बताया गया कि ये जो बस है, रोड सड़क पर मिट्टी ज्यादा फैल गई है, कंस्ट्रक्शन का काम 46 नंबर हाईवे पे चल रहा है और जिसके कारण सड़क पर मिट्टी फैली हुई है और ड्राइवर ने जब ओवरटेक करने का प्रयास किया तो बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें काफी लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। जी अमित, मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा क्या, क्योंकि हादसा बहुत गंभीर रूप से हुआ था, तो पुलिस यहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया और उनको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अबिदुल्लागंज पहुंचाया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी समय से, जिसके रहते किसी भी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली, सभी को समय पर उपचार मिल गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए।